नमस्कार मित्रों, 24 के अप्रैल मई में जो आईपीएल होने वाला है, एक बड़ी खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह पर मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है। बेहद चौंकाने वाला फैसला है। मैं बात करूंगा हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी, हमारे सीनियर एंकर हैं अमित शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय प्रताप जी। आप दोनों लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जी। पहले अभय जी आपसे शुरुआत करते हैं। हार्दिक पांड्या का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन रोहित शर्मा का कप्तान का मैं फैन हूँ, लेकिन जिस तरह से ये फैसला हुआ क्या है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड करके हार्दिक पांड्या को लिया था, तो उसी समय ये तो सोचा ही जा रहा था कि शायद कुछ ना कुछ तो मुंबई इंडियंस, उनका मैनेजमेंट नीता अंबानी, अनंत अंबानी, उनका लड़का आकाश अंबानी, शायद कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं कि हार्दिक पांड्या पर इतना बड़ा दाव खेला गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, तो वो कप्तानी छोड़ करके मुंबई इंडियंस क्यों आएंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 बार के आईपीएल चैंपियन रोहित शर्मा रहे हैं। जब आप सोचिए कि रोहित शर्मा को 2013 में मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था, रिकी पोंटिंग कप्तान थे, उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस लगातार मैच हार रही थी, और बीच आईपीएल में रिकी पोंटिंग ने कप्तानी छोड़ दी, खुद को टीम से बाहर कर लिया और रोहित शर्मा को आगे बढ़ा दिया। और रोहित शर्मा वो छोटे होते हैं, आप देखिए ना, एक के बाद एक मैच दर मैच वो कहाँ बहुत ज्यादा समय तक नहीं खेल पाते हैं। वो 2 महीने अगर लगातार खेली तो उसके बाद उनकी फॉर्म खराब हो जाती है, वो चोटिल हो जाते हैं, कभी हाथ में कभी पैर में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने का जो फैसला है, ये किस आधार पर लिया है। और सबसे अच्छी बात आप ये बताइए, फैसला जब आपने सुना आप हैरान थे? नहीं, हैरान हूँ मैं हैरान भी हूँ, निराश भी हूँ मैं भी। आप ये बताइए, जिसने 2013 में, 2017 में, 2019 में, 2015 में, 2020 में आपने 5 खिताब उन्होंने जिताए, मतलब 10 साल वो बंदा कप्तान रहा और उसमें से 5 बार वो अपनी टीम को जिता देता है, यानी कि आप देख रहे हैं चैंपियंस लीग भी जिताई है, चैंपियंस लीग भी जिताई है। ऐसे में हार्दिक पांड्या जो हमेशा चोटिल रहते हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं है बल्ला, हालांकि वो मैं मानता हूं कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन रोहित को रिप्लेस वो कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई भी क्रिकेट प्रशंसक इसको पचा नहीं पा रहा है। देखिए, खेल एक खिलाड़ी के तौर पर इसमें कोई शक नहीं है, हार्दिक पांड्या, जब भी आप वर्तमान T20 स्क्वाड की बात करेंगे तो मैं हार्दिक पांड्या को हमेशा एक खिलाड़ी के तौर पर रखूंगा। रोहित शर्मा न होते, मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में ही ना होते, तो हार्दिक को कप्तानी दी जाती, मैं बिल्कुल हैरान नहीं होता। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चाहे वो BCCI हो, चाहे वो IPL फ्रेंचाइजी हो, उनको ऐसा क्यों लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो फिट नहीं है, खासतौर पर T20 के लिए? ये अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक मुझे लगता है। अरे, वो रन तो बना ही रहे ना, वो रन बना रहे, फिटनेस भी उनकी ठीक ठाक है, इतना खराब तो नहीं। MS धोनी के बावजूद भी अगर नए बच्चों को उनके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, करने वाला, निराश करने वाला फैसला है ये मुंबई इंडियंस का। MS धोनी 42 साल की उम्र में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। देखिए, रोहित और हार्दिक की कप्तानी की तुलना नहीं हो सकती। हार्दिक अच्छे कप्तान आईपीएल में साबित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार जो है ना, एक बार 5 बार उन्होंने जिताया है, वही तो रोहित से अगर आप तुलना करेंगे तो कप्तान के तौर पर मैं हार्दिक के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। मेरा तो ये मानना है, मैं ये चाहता हूं कि अभी रोहित को ना T20 भी खेलना चाहिए। जी बिल्कुल, T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है अगले साल, T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए उनको, कप्तान उसमें रहना चाहिए, उसके बाद ठीक है आप फैसला ले सकते हैं। और रोहित खुद भी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रोहित भी नहीं चाहते हैं कि वो T20 इंटरनेशनल खेले। अब कितना इसमें सच्चाई है तो भगवान जाने। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इस पर कमेंट लिख कर बताइए, और इस फैसले पर आपकी क्या राय है ये भी जरूर हमें बताइए। जय हिंद। इसके साथ ही हमारे तिवारी जी के साथ अवश्य जुड़िए। हाँ, तिवारी जी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है।